काम भोगादि का थोकड़ा। श्रीमद् भगवती जी सूत्र शतक सात उद्देशक सातवें के आधार से काम भोगादि का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं। गौतम स्वामी भगवान महावीर से हाथ जोड़ मान मोड़ विनय पूर्वक वंदन करते हुए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न एक, भंते उपयोग सहित गमनागमन आदि क्रिया करते हुए संवर युक्त अनगार को इरियापति की क्रिया लगती है या सांप्राई की क्रिया लगती है? गौतम, अकषायी संवृत्त अनगार यथा सूत्र प्रवृत्ति करता है इसलिए उसे इरियापति की क्रिया लगती है, सांप्राई की क्रिया नहीं लगती। प्रश्न दो, भंते काम कितने प्रकार के हैं? गौतम, काम दो प्रकार के हैं, शब्द और रूप। प्रश्न तीन, भंते काम रूपी है या अरूपी, सचित है या अचित, जीव है या अजीव, काम जीवों के होते हैं या अजीवों के होते हैं? गौतम, काम रूपी है, अरूपी नहीं, काम सचित भी है और अचित भी है, काम जीव भी है और अजीव भी है, काम जीवों के होते हैं, अजीवों के नहीं होते। प्रश्न चार, भंते भोग कितने प्रकार के हैं? गौतम, भोग तीन प्रकार के हैं, गंध, रस, स्पर्श। भंते भोग रूपी है या अरूपी, सचित है या अचित, जीव है या अजीव, भोग जीवों के होते हैं या अजीवों के होते हैं? गौतम, भोग रूपी है, अरूपी नहीं, भोग सचित भी है और अचित भी है, भोग जीव भी है और अजीव भी है, भोग जीवों के होते हैं, अजीवों के नहीं होते। प्रश्न पाँच, भंते नैरयिक जीव कामी है या भोगी है? गौतम, कामी भी है और भोगी भी है। भंते इसका क्या कारण है? गौतम, श्रोतेन्द्रिय चक्षुरेन्द्रिय की अपेक्षा कामी है और घानेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय की अपेक्षा भोगी है। इसी तरह भवनपति वानव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक त्रियंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य ये 15 दंडक कह देना। चौरेन्द्रिय चक्षुन्द्रिय की अपेक्षा कामी है, घ्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय की अपेक्षा भोगी है, तेन्द्रिय बेन्द्रिय और एकेन्द्रिय 5 स्थावर भोगी है, कामी नहीं। इनका अल्प बहुत्व सबसे थोड़े कामी भोगी, उससे 9 कामी 9 भोगी अनंत गुना, उससे भोगी अनंत गुना। सेवम भंते, सेवम भंते।